व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल। जिम होके आया हूँ। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया तगड़ी तगड़ी। मैं क्या दिखा दूँ आपको, देखो हवा चलती है तो हमारे घर में क्या होता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे आपको पता है, शिल्पा कह रही है आपको पता ही है, जब हवा चलती है तो हमारे घर की प्यारी प्यारी फैंस गिर जाती है। गाइस ये है शॉर्टकट, आपके नेबर के पास जाने का शॉर्टकट है ये। तो अभी हम बाजू वाले की साइकिल चला सकते हैं, उसके ट्रैम्पोलिन पे जाके उछल कूद सकते हैं। ऐसे ऐसे बडी का पैकेट भी बड़ा हो गया, बडी का पैकेट बड़ा हो गया, अब वो यहाँ से लेकर वहाँ तक चक्कर मार सकता है और उधर के बच्चों के साथ खेल सकता है। हमारा नेबर भी इंडियन है बाय द वे, तो मिलके अभी फेंस ठीक कराएगा, लैंडलॉर्ड हम तो नहीं कराएंगे हम। तो या लकीली ये वाली टूटी है, कहीं और की टूटी होती तो हाँ पहले चेक करता हूँ, अच्छे पॉइंट पर कहीं और की टूटी होती तो यू नो वो हम पे बोल देता लैंडलॉर्ड कि भाई तुमने तोड़ी है, क्योंकि हवा हम चलाते हैं ना टैक्सेस में। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो क्या हुआ पड़ा है यहाँ पर, हवा बहुत चलती है यार टैक्सेस में गाइस, आपको पता ही है। लकीली बाकी सारी फैंस ठीक है, और यही वाली ये वाली फैंस काइंड ऑफ पुरानी है बट ये ठीक है अभी। आज ये वाली टूट गई है, ये भी कोई नई थोड़ी ना, ये भी पुरानी ही है वैसे तो, बट हाई बोल कहता हूँ उनको। ये गाइस कैसे हो, उनके प्लांट गिरे पड़े हैं वहाँ पर, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। व्हाट्सअप कैसे हो, सब बढ़िया। बैकेट बड़ा हो गया हमारा शिल्पा, तो बारिश का भी मज़ा ले रहे हैं हम लोग, मस्त बारिश हो रही है। मैं भी गीला हो रहा हूँ, वैसे जूमू के आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, आधा पसीना है आधा आधा पानी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो अंदर चलते हैं। बड़े तू मतलब बाहर तुझे नहाई नहीं हो जाएगी तेरी, बाहर आ गए तू तो, फिर तो कहेगा कि नहाई नहीं करा दी हमने, अंदर ही बैठ जा तू। गुड बॉय लगे आता, मैं सोच रहा हूँ कार पे भी ज़रा वाइपर मार के ना साफ कर दूँ, वरना ये वाटर स्पॉट्स पड़ जाते हैं गाइस। और ये आज तो बारिश हो गई पर कल को है ना, ये अगर मैंने साफ़ नहीं किया तो यहाँ पर वाटर स्पॉट्स पड़ जाएंगे और बहुत ही गंदी दिखेगी जब तक धोऊंगा नहीं, वो मेरे को बहुत अजीब लगता है, तो मैं तो वाइप करने लगा हूँ इसका। भाई शिल्पा ना यहाँ पे ये रख रही है, उन्होंने ना नेबर ने इसको ऊपर रख दिया ताकि एटलीस्ट बंद हो जाए दरवाज़ा, पर बड़ी बात है यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से ना उधर गया एक्सप्लोर करता हुआ, नीचे से निकल गया उनके घर पहुँच गया। मैं भाई क्या कर रहे हैं, और पता क्या हुआ, इधर है ना नीचे कील है छोटी छोटी कील से ना मेरे पैर पर लग गई, मैं बड़ी को लेने गया तो मेरे पैर पर लग गई, बहुत ही नौटंकी है, बहुत ही ज़्यादा शाना है ये, मस्ती आ रही है इधर हरकतें देखो इसकी, इधर आ जा, कम है बड़ी कम है, इधर आ। कैसे भाग रहे, रजत को चिढ़ाते हैं कि मैं आओ पकड़ो मुझे। कहाँ गया, सामने से निकल के जाएगा रजत के, आओ पकड़ो। बस देखिए गाइस, इसके लिए अब डिटॉल विटॉल तो पता है नहीं, एक्चुअली पता है डिटॉल है मेरे पास, इंडिया से लाया हुआ हूँ मैं, 2012 की आई थिंक, कभी नहीं यूज़ करी, कभी नहीं खोली, अब तक तो एक्सपायर्ड हो चुकी होगी। देखूँ कहाँ पड़ी है, डिटॉल कहाँ है, डिटॉल कहाँ है, ये देखो गाइस इंडिया से आया था ना 2012 में, तब लेके आया था, अजब दी आई डोंट थिंक अभी खोली मैंने, डेट देखे डेट ऑफ एक्सपायरी 2014 ऑब्वियसली, 2000 देखो 2012 में बनी थी, 2014 में एक्सपायर्ड होगी, पता नहीं रखी भी क्यों है मैंने, कुछ और लगा लेता हूँ। मैंने गाइस ये लेके आया हूँ, ये है 91% आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल, दिस इज एंटी बैक्टीरियल क्लिनजिंग एजेंट फॉर माइनर कट्स, ये लगा लेता हूँ। ओके जलेगा क्या, ओह नो नहीं चला, नहीं वो एक्सपायर्ड नहीं है, पर हल्का हल्का फील हो रहा है, बट आई थिंक इट्स गुड। आ जला जलिया शुरू भी नहीं जला आई गेस। डॉगी देख रहे तू गया था ना बाजू वाले के घर में, तो गया था मैं, आगे समझ जाइयो।
लैंडलॉर्ड को मैसेज कर दिया मैंने, तो अब वो लैंडलॉर्ड प्लस नेबर दोनों आपस में बात कर लेंगे कैसे करना है, कैसे फिक्स कराना है। गाइस आज जूस बन रहा है, शिल्पा बना रही है जूस, फ्रेश होममेड विद अदरक एंड विद डॉट ऑफ अदरक एंड हरी मिर्च एंड बीट रूट एंड ऑरेंजेस एंड एप्पल एंड कैरेट। ओह या कैरेट राइट देयर। कैरेट सुन के देखो कौन आ गया, फिर कौन आ गया, तब से ही नाच रहा है। बड़े जूस नहीं पिएगा तो बल दो थोड़ा पीते हैं, मिर्ची वाला जूस मैं पी लूंगा। ऑलराइट, हमारे पास है जूसर है बढ़िया, इसमें ना कई बार काफ़ी जूस बना चुके हम लोग, अच्छा बनता है। तो शिल्पा आपको बना के दिखाएगी जूस। ये डाला ऑरेंजेस 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 कैरेट और मोस्ट फ्रेश फ्रेश जूस तैयार है। वेरी नाइस। ये गाइस पॉलिथीन इसलिए रखे ताकि जो अंदर का पल्प है सब इसके अंदर चला जाएगा, वो गंदा नहीं होगा। बाकी अभी इसमें आई थिंक नींबू डालेगी क्या शुभ? नहीं, वो काला नमक। काला नमक या ओ वाओ अमेजिंग शिल्पा, गजब टैलेंट है यार तुमने। देखो बिल्कुल पता। वेरी नाइस। अरे हाँ, पूरे एक कप बना दे तुमने। तो गाइस आप भी इतना इतना ही अगर क्वांटिटी लेंगे तो एक कप एक ग्लास सॉरी एक ग्लास भरेगा पूरा पूरा। काला नमक डालने के लिए तैयार है गाइस। नो एडिड कलर्स, नो एडिड फ्लेवर्स, ऑल नेचुरल प्योर फ्रेश ऑर्गेनिक, नो नो वीजीए, नहीं नहीं क्या होता है, नो नो जीएफ, नो ग्लूटेन फ्री, नो वीट, नो सोए, नो सोए नो वीट, बस और क्या क्या होते हैं, नो क्लोरोफिल, नो मिट्टी, ऑर्गेनिक, टेस्टी टेस्टी, वेरी नाइस। गाइस मैं आपको पल्प भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये सारा पल्प निकला है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे तो किसी चीज़ में, आई डोंट नो, अगर आप एग्रीकल्चर में प्लांटिंग में है तो शायद ये यूज़ हो जाता होगा, मुझे तो पता नहीं, तो हम तो इसको डाल देंगे। बस क्या आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग यूजली केला ऊपर से छीलते हैं राइट, पर कई बार केले ऊपर से छीलते नहीं हैं, टाइट होते हैं, तो जो नीचे से ना हमेशा छिलेगा केला, हमेशा, कभी यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि ना छिले, यहाँ से फिर भी हो सकता है कि ना छिले, टाइट होता है, पर यहाँ से हमेशा छिलता है। तो गाइस दो तीन बातें करनी थी, मैं सोचा वीडियो बंद करने से पहले बातें कर लूँ। गाइस अगर आप सोच रहे हो मैं कैप क्यों पहन के आया हूँ अचानक से, तो मैं अभी जिम करके आया था, और जिम करके आपको पता है क्या होता है, बाल चिपक जाते हैं, गीले गीले होते हैं, अब मैंने सोचा वीडियो भी बनानी है, अब वीडियो में मैं ऐसे चुपके हुए बाल लेके तो आऊँगा नहीं आपके सामने, तो मैंने कहा कैप पहन लेता हूँ, धूप नहीं है, धूप पीछे है, पर कैप का और भी फायदा होता है ना, स्टाइल भी तो मार रहा हूँ। हाँ तो स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं, बाल छुपा रहा हूँ, ये भी होता है कई बार। हाँ तो एनीवे गाइस, तो एक है ना शिल्पा, एक तुम्हें पता नहीं है, याद है मैंने एक जो लैपटॉप सेल पे लगाया हुआ है, तो एक मेरे को वो आया टेक्स्ट किसी का, कहता है कि आई हैव ग्रेट डेन पपी, वुड यू लाइक टू ट्रेड। ये क्या बात हुई, कहता कि लैपटॉप के बदले ग्रेट डेन पपी लेना चाहोगे, मैं कहा थैंक यू वेरी मच, आई एम हैप्पी विद माई ग्रेट लैब्राडोर। नहीं नॉट बिकॉज कि एक ग्रेट डेन है, बट ओनली थिंग इज कि अभी दूसरा डॉग नहीं ले सकते अभी समय, और वैसे भी एक्सचेंज क्या कर रहे हैं पपी के लिए। हाँ कहता एक ऐसी रजिस्टर्ड है, आई मीन अमेरिकन कैनल क्लब से रजिस्टर्ड है, और पपी यूजली अबाउट इतने का ही बिकते हैं आप है ना US में, 700-800 के, मैंने $1000 का लगा रखा है लैपटॉप भी। तो ये था एक दूसरी चीज़, शिल्पा उसको जानती हो मिस्टर बीस्ट को, जानती हो? इंटरेस्टिंग। मैंने शिल्पा बोलेगी कि नहीं वो कौन है, जानती है, चलो उसको पता है, अभी कुछ टाइम पहले उसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, पता है, उसने ना अभी लाइव स्ट्रीम करी थी, जैसे हम नहीं करते वॉचिंग कि जा रहे हैं 500K हो रहे हैं, तो ऐसे उसने किया कि 100 मिलियन होने वाले हैं, तो उसके थे 950,000, तो विद इन 20 मिनट्स की वीडियो थी वो, और 50,000 हो गए बचे हुए। तो बेसिकली जितने सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पर हैं 50,000 के करीब करीब, उसके आधे घंटे में हो गए। वो तो फिर बड़ी चीज है ना, मिस्टर बीस्ट, तभी तो नाम है मिस्टर बीस्ट। वो बाय द वे उसकी स्टोरी भी थोड़ी स्ट्रगल की थी, शुरू शुरू में तो काफ़ी उसने स्ट्रगल करा, यूट्यूब चलता वलता नहीं था उसका, फिर बाद में अचानक से वो अनबिलीवेबल सी वीडियोस बनाने लग गया, अनरियलिस्टिक सी,
जिसमें वो गाड़ियाँ गिफ्ट कर देता है, घर गिफ्ट कर देता है लोगों को। I think कुछ अलग करो ना, वो अनरियलिस्टिक चीज बनाता है वो, तो यू नो आइलैंड गिफ्ट कर देता है लोगों को। तो हाँ कर दे, हाँ ले लो, लग जाओ लाइन में तुम भी। वो भाई हम देख रहे हैं अंदर में, घुस जाइयो बड़ी कम है, अंदर नहीं जाना कम है। तो गाइस बस यही थे 2-3 अपडेट्स मेरे पास। अरे आपका उसका क्या हुआ, जोलो चिप चैलेंज का? जोलो चिप चैलेंज वालों ने मेरा ले रखी है, जोलो चिप वालों ने, महीनों हो गए मैं उनको रोज, हर हफ्ते उनको ना मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, भाई शिप हो गया क्या, शिप हो गया क्या, सर वी आर सेंडिंग, आपका एड्रेस क्या है वो भी भेज चुका हूँ, आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो भी भेज चुका हूँ, आपका फ़ोन नंबर क्या वो भी भेज चुका हूँ, सर वी आर सेंडिंग, होप यू अंडरस्टैंड, वो पता ही नहीं, वी आर सेंडिंग टुमारो, होप यू अंडरस्टैंड। मैंने फिर आज उनको व्हाट्सएप किया, मैंने कहा भाई ये आखिरी फॉलोअप है मेरा, अगर भेजना है भेज दो, अब तो लोग भी हमसे, लोगों का व्यूअर्स का हमारा हमसे भरोसा था उड़ गया कि ये लोग बहाने मार रहे हैं, इनको ना चैलेंज वैलेंज नहीं करना, ये डर गए हैं मिर्ची से तो इसलिए बहाने मार रहे हैं। गाइस बिल्कुल अभी तक नहीं भेजा उन्होंने, महीना हो गया, पता नहीं भेजना तो मना कर दो ना, ऐसे लड़का क्यों रहे हो। एनीवे गाइस एक कॉमेंट बड़ा अच्छा आया था रिसेंटली, कहता है कि रजत भाई अब तो लग रहा है नए वाले घर में ही जाके जोलो चिप चैलेंज होगा कि वो बन जाएगा पहले 10-12 महीने में, पर जोलो चिप नहीं आने वाला आपका। इट इज़ वॉट इट इज़ मैन। गाइज आज की वीडियो बंद करते हैं, व्लॉग बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय। ओ बेटे तेरे भी बाल खराब हो गए थे क्या, तू भी जिम करके आया था क्या? ला फिर से पहना दूँ, देखो इधर इधर। डॉग्स कितने अच्छे होते हैं ना गाइज, कुछ नहीं बोलते, कभी हम बड़ी को दुल्हन बना देते हैं, कभी बड़ी को टोपी बना देते, चश्मा बना देता, कुछ नहीं बोलते बेचारे। अरे पहन ले, बोल रहा है, बोल रहा, चल ठीक है, नहीं बना रहा जा।